हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न धक्का पे। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 का साइंस का जो चैप्टर नंबर सेकंड है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट, उसका डोबरनेट राइट्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो, और उसी के साथ साथ न्यूलैंड ऑक्टेव्स का जो एक्सप्लेनेशन है, किस तरह उसने थ्योरी बनाई है उसके बारे में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखो दोस्तों, क्या यहाँ पर डुबर्नियर ट्राइड्स क्या है, एक साइंटिस्ट है, उसने देखो उस एलिमेंट्स को किस तरह पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने की कोशिश की, उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट उसमें देखो, जो डुबर्नियर ट्राइड्स था उसमें उसने क्या किया था, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, इसीलिए उसका जो नाम था वो नाम क्या पड़ा, ट्राइड्स। उसका नाम इसीलिए क्या पड़ा था, ट्राइड्स ये नाम पड़ा था। यानी थ्री एलिमेंट्स का उसने इस तरह ग्रुप्स बनाए, यानी इस तरह अरेंज किया, इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया है, उसके थ्योरी को ट्राइड से नाम दिया गया। ये फर्स्ट पॉइंट है उसके थ्योरी का। सेकंड पॉइंट देखो, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, यानी क्या उसने क्या किया, पीरियोडिक टेबल में इस तरह एलिमेंट को इस तरह अरेंज करने की कोशिश की, किस तरह, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया, किस तरह, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में। ये क्या हुआ, सेकंड पॉइंट हुआ। ओके, फिर उसके बाद देखो, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था उसके थ्योरी का, कि देखो द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, यानी एटॉमिक मास ऑफ क्या, मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट। यानी क्या, इस थर्ड पॉइंट का, इस थर्ड पॉइंट को किस तरह समझेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू। ओके, तो देखो एग्जांपल क्या था उसका, इसमें क्या बोला है, देखो एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट, अदर टू एलिमेंट। यानी क्या, उसने जो ट्राइड बनाया, थ्री थ्री एलिमेंट्स का जो ट्राइड बनाया, थ्री थ्री एलिमेंट का जो ग्रुप बना, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइड। जैसे कि देखो, उसने फर्स्ट क्या लिया था, उसने फर्स्ट लिया था लिथियम, सोडियम और क्या लिया था, पोटेशियम। क्या लिया था, ये तीन एलिमेंट्स लिए थे। ओके, ये क्या किया इसने, ये तीन एलिमेंट्स लिए थे, उसको किस तरह अरेंज करना है हमको, देखो एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। अब देखो ये होता है इक्वल होता है अदर टू एलिमेंट्स का मीन का, तो इसका एटॉमिक मास क्या होता है, किसका, लिथियम का यहाँ पर 6.9, फिर सोडियम का 23, ओके, फिर पोटेशियम का कितना होता है, 39.1, एवरेज एवरेज। ओके, इतना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मीन नहीं करेंगे, तो ये दोनों का मीन इसके इक्वल में आता है क्या, ये देखेंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का ऐड, यानी 6.9 प्लस 39.1 अपॉन में क्या करेंगे, 2 करेंगे। ओके, तो इसका इक्वल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 6.9 प्लस 39.1 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, डिवाइड में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46, 2 को 46, 2 से 46 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और पोटेशियम का, सॉरी सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 23 है। यानी क्या, देखो यानी क्या कि जो मिडल एलिमेंट है वो, उसका जो मिडल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 23 है। और अदर जो दो एलिमेंट्स है उनका हमने जब मीन निकाला तो कितना आया, 23 आया। यानी यही है इसका थ्योरी के, यानी डुबर्नियर ट्राइड्स का यही थ्योरी है कि उसने थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, उसको हम ट्राइड्स बोलती है, और उसने इस तरह अरेंज किया कि जो मिडल एलिमेंट होता है वो इक्वल रहेगा अदर दो एलिमेंट्स के मीन के। लेकिन उसने कुछ ही एलिमेंट को, यानी कुछ ही एलिमेंट पर उसकी थ्योरी क्या किया, वर्क किया कुछ ही एलिमेंट पर, पूरे एलिमेंट्स पर ये थ्योरी उसकी यानी अप्लाई नहीं हुई। ओके, तो बुक में और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए, वो आप देख लेना, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको उसकी थ्योरी समझाई। ओके, तो दोस्तों अब हम देखेंगे न्यूलैंड ऑक्टेव की थ्योरी, वो क्या कहता है उसके बारे में। ओके, अब देखो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने किस तरह अपने थ्योरी को अरेंज करने की कोशिश की, पीरियोडिक टेबल में किस तरह एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, उसने किस तरह एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, तो उसको थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो उसकी थ्योरी के बारे में थ्री पॉइंट्स है। उसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, उसने क्या किया कि अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी जो एलिमेंट थे
तो जो एलिमेंट थे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के थ्रू उसको उस एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। उसने भी क्या किया, उन एटॉमिक मासेस की इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, जिस तरह डुबर्नियर ट्राइड ने भी किया था। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है। फिर सेकेंड पॉइंट उसने क्या किया, द प्रॉपर उसने क्या बोला, देखो कि द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, यानी क्या जो फर्स्ट एट्थ एलिमेंट रहेंगे वो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगी, देखो आर सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, यानी क्या कि जो एट्थ एलिमेंट होगा, एट्थ एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी, ये उसने बोला है। ओके, उसका सेकेंड पॉइंट है, ये देखेंगे कि इसकी जो थ्योरी है ये प्रॉपर है या नहीं एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, फिर देखो उसने लास्ट पर और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है और एंड इंडेड यानी लास्ट एलिमेंट थोरियम 56 एलिमेंट, यानी क्या इस पर से आपको क्या समझ में आता है कि वो सिर्फ 56 एलिमेंट तक ही अपनी जो ये थ्योरी है वहां तक ही ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ 56 एलिमेंट तक ही उसने यानी यूज होती है ये कहा है। पूरे एलिमेंट जितने एलिमेंट्स है यानी उस जमाने में जब न्यूलन ऑक्टेव ने न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव ने जब ये थ्योरी अरेंज की तब कितने एलिमेंट्स थे, सिर्फ 56 एलिमेंट थे और पूरे 56 एलिमेंट पर ये उसकी जो थ्योरी है वो अरेंज करने की उसने कोशिश की, लेकिन उसकी जो कोशिश थी वो नाकाम ठहरी। ओके, नाकाम रही। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो उसने क्या बोला, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, उसके बाद जो ये देखो ये पॉइंट सेकंड, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आर सिमिलर टू फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट बोला। तो इसमें देखो किस तरह उसने अरेंज किया, देखो साउंड देखा है आपने साउंड, उस साउंड में देखो अरेंज किया, जैसे कि सा रे गा मा पा दा नी और नी के और अगेन क्या आता है एट्थ एलिमेंट, यानी अगेन एट्थ क्या आता है सा आता है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 सेवन के बाद अगेन क्या आता है एट, यानी उसने क्या बोला एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट, यानी ये क्या है फर्स्ट और अगेन एट कौन सा आ रहा है, ये भी आ रहा है एट नंबर पे, यानी फर्स्ट एलिमेंट और एट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी, ये बोला उसने। तो इसी तरह देखो इस ऑर्डर में जिसने साउंड के ऑर्डर में लिखा है उसी तरह देखो हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये कितने नंबर पे आ रहा है सेवन, और अगेन एट नंबर पे देख रहे तो कौन सा आ रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या रहेंगी सिमिलर रहेंगी, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है समझो हाइड्रोजन की और फ्लोरीन की, जैसे फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस और सल्फर है, इसमें वो क्या है सल्फर है, तो हाइड्रोजन की भी जो प्रॉपर्टी है और जो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी है वो क्या रहेंगी पूरी सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी इसकी भी, फिर लिथियम जो है फिर सोडियम इसकी भी प्रॉपर्टी सिमिलर, बेरिलियम मैग्नीशियम इस तरह उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी एट्थ एलिमेंट जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर रहती जाएंगी, इस तरह इसने बोला है। तो इस तरह इसके तीन पॉइंट्स है, तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखना है और ये जो एग्जाम्पल है ये लिखना है, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो आई होप दोस्तों कि डुबर्नियर ट्राइड्स की जो थ्योरी है वो और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की जो थ्योरी है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो ताकि हमारे न्यू अपडेट फर्स्ट आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।